मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में चार चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने मीडिया से बात करते हुए राज्य में कुल वोटरों की संख्या, लोकसभा चुनाव के लिए पोलिंग बूथ की संख्या जैसी कई बातों की जानकारी दी। राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को 6 सीटों के लिए है, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को 6 सीटों के लिए, तीसरे चरण का मतदान 7 मई को 8 सीटों के लिए, आखिरी और चौथा चरण 13 मई को 8 सीटों पर है। उन्होंने कहा कि राज्य में 18 से 19 साल के वोटरों की संख्या 16,49,641 है, जबकि 85 साल से ज्यादा उम्र वालों और 40% से अधिक दिव्यांग वोटरों को घर पर वोटिंग की सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि एमपी में कांग्रेस को लोकसभा उम्मीदवार नहीं मिल रहे। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और बहुत सारी ऐसी जगह है जहां इनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं, कोई लड़ने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि अब की बार शुरुआत छिंदवाड़ा से होगी, छिंदवाड़ा भाजपा की जीत में रोड़ा नहीं है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी का आना लगातार जारी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी भी यहां दिखाई दे रही है, कई नेता भी यहां पहुंच रहे हैं। मंगलवार को भाजपा की राष्ट्रीय सचिव व मध्य प्रदेश की सह प्रभारी पंकज मुंडे महाकाल मंदिर पहुंची। उन्होंने गर्भगृह की चौखट पर मत्था टेका और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे नंदी हॉल में बैठी जहाँ शिव आराधना की। हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को झटका लगा, उनकी याचिका निरस्त कर दी गई। तत्कालीन जिला सहकारी बैंक पन्ना के अध्यक्ष संजय नगायच के जिला न्यायालय पन्ना में दर्ज मानहानि आपराधिक प्रकरण के स्टे को हटा बिसेन की याचिका निरस्त की गई। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी जनप्रतिनिधि का सार्वजनिक अपमान और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के गंभीर आरोप को नजरअंदाज किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी और उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद गुप्ता ने आरोप लगाया है कि 5 साल उपाध्यक्ष रहने के बाद आज तक नहीं हुई कोई भी बैठक, प्रदेश अध्यक्ष के पास जाने पर अपना परिचय बताना पड़ता है। वे प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष के पद पर 5 साल तक रहे, इससे पहले वे भाजपा जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी साझा की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।